फाइनली हमारा कलेजी पोटा तैयार हो गया देसी तरीका से गाइज, देख रहे। हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज आज अपना किचन ब्लॉग में बनाने जा रहे हैं कलेजी और लीवर। तो गाइज ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 750 ग्राम ना लीवर और कलेजी लिया है। तो गाइज इसको हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं गाइज, इस तरह से ये देख सकते हैं गाइज, इसको अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और गाइज आपको बताएंगे हम बिल्कुल देसी स्टाइल में इसको किस तरह बनाना है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमने गाइज यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है गाइज, ये देख सकते हो गाइज, और हम गैस जलाएंगे। तो गाइज हमने गैस जला दिया गाइज, और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल में गाइज हम बनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल देसी तरीके से गाइज। तो आप गाइज ब्लॉग में बने रहिए गाइज। तो गाइस हमारा कढ़ाई हीट हो चुका है और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है गाइस। आप अपने अनुसार ऑयल ज़्यादा और कम डाल सकते हैं गाइस, तो मैं अपने अनुसार बना रहा हूँ बिल्कुल देसी तरीका में गाइस। तो उसी तरीके से हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है गाइस। है तो गाइस हमारा तेल हीट हो चुका है गाइस, गर्म हो चुका है। तो गाइस इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे साबुत जीरा। गाइस हमने इसमें साबुत जीरा डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे गाइस कुटी हुई अदरक और लहसुन। ये देसी तरीका से हम बना रहे हैं गाइस। तो हमारा जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है गाइस, तो अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ थोड़ी सी 2 से 3 मिनट गाइस इसको पकाना है। तो गाइस अब हम इसमें 2 ऑनियन लिए हैं जिसको हम बारीक से चॉप कर लिए हैं गाइस। तो अब इसमें हम डालेंगे ऑनियन, हल्दी डालिए थोड़ा सा गाइस, इसको हम ब्राउन होने तक भूनना है गाइस। अब इसमें क्या डालेंगे? हल्दी डालिए थोड़ा सा अभी। गाइस इसमें हम पहले से डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, चिली पाउडर और थोड़ी सी हम चिल्ली पाउडर डालेंगे गाइस। ये कुटी हुई मिर्च है, मजा आ रहा है। तो गाइस हमारा ऑनियन प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है गाइस। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर गाइस, तो इसको हम बीच में डालेंगे गाइस इस तरह। बीच में डाल के हिला रहे हैं। गाइस इसको थोड़ा ब्राउन होने तक गाइस इसको हम अच्छे से भूनना है गाइस, 5 से 10 मिनट तक इसको भूनना है। तो नहीं डाला था हमने कुछ भी।
तो लिए नहीं हम लोग ऊपर से डालने के लिए। ये वाला मिर्ची डालें, ऐसे डाल देंगे। हाँ वो भी ऐसे डाल। रिपोर्ट हो रहा है। तो गाइज इसमें हम दो मोटी मिर्च डाल रहे हैं गाइज, स्पाइसी के लिए गाइज। आपको पसंद हो तो डालना, नहीं तो नहीं डालना गाइज। तो हमें स्पाइसी पसंद है गाइज, तो हम इसमें स्पाइसी के लिए डाल रहे हैं दो मोटी मिर्ची और दो छोटी भी है गाइज। तो गाइस हमारा मसाला बिल्कुल ब्राउन हो चुका है गाइस। अब इसमें हम डालेंगे ये वाला चीज़ जो आपको हम बताए थे, कलेजी पोटा बना रहे हैं गाइस इस तरह हम। तो गाइस हम इसमें डाल दिए हैं कलेजी पोटा गाइस, अब इसको भूनना है। गाइस इसको हमें चलाते रहना है गाइस, नहीं तो नीचे जल जाएंगे। तो गाइस इस तरह से हमें हर एक मिनट पे गाइस इसको चलाते रहना है इस तरह से। गाइस को फ्लेम तेज रखना है गाइस। तो गाइस इसको हम ढक देते हैं दो मिनट के लिए। हमारा जो चिकन है गाइस इस तरफ भून गया है। ये देखिए गाइस इसको अच्छे से गाइस रोस्ट होने तक भूनना है गाइस। तो गाइज अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर। और एक चम्मच जीरा पाउडर। इसको भूनना है गाइज फिर से। ढक के दो मिनट तक पकाना है गाइस। तो गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे गाइस नमक। देखते हो गाइस बिल्कुल ड्राई हो चुका है गाइस। इसी तरह हमें भी अब 10 मिनट तक गाइस और भूनना है इसको।
तो गाइस देख सकते हो लीवर जो है पूरे तेल छोड़ दिया गाइस, ये देखिए गाइस। तो गाइस अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे गाइस, थोड़ी सी। जो मसाला है गाइस वो अच्छे से गल जाएंगे पानी डालने से, क्योंकि गाइस हम बना रहे हैं ड्राई, तो ज़्यादा हम पानी भी नहीं डाल सकते हैं गाइस। दो मिनट के लिए ढक के गाइस पकाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा लीवर और फाइनली हमारा कलेजी पोटा तैयार हो गया देसी तरीका से गाइस। ये देख रहे हो हम बिल्कुल ड्राई बनाए हैं गाइस, ये देख लीजिए गाइस। गाइज ये रेसिपी आपको पसंद आए तो गाइज वीडियो का लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा गाइज। ये देख सकते हैं गाइज इस तरह से हमने बना लिया, और इसके साथ आप रोटी के साथ चावल के साथ बड़े आराम से खा सकते हो गाइज, बहुत टेस्टी बना है गाइज। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है गाइज, अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो गाइज कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।